एक्टिव की बटन दबाओगे तो एक अतीक अहमद जैसा गुंडा और पैदा हो जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री है कि नहीं बताओ। जब तक सपा की सरकार थी कि नारा लगाते सपा वाले, इस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में निश्चित गुंडा होता था कि नहीं होता था। आज भी है सपा का नारा, खाली प्लाट हमारा, आज भी है सर। वो सब जेल भेज दिए गए, जब बचे हैं तब पास के बाद भेज देंगे। मैं आप सब लोगों को यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ कि कमल के फूल की बटन दबाओगे, गरीब के जीवन में भी खुशहाली, किसान के जीवन में भी खुशहाली, नौजवान यहाँ पर तो नौकरी कोई पाए होंगे पहले, आप पता कर लेना, पूछना नहीं चाहता। बिना रिश्वत लिए नौकरी सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में नहीं मिलती थी, और हम दावे से कहते हैं हमने 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी है, और 4.5 लाख सरकारी नौकरी में से एक भी युवा नहीं कर सकता, उसके माता पिता नहीं कर सकते, उन्हें 1 रुपया रिश्वत देने के कारण नौकरी मिली है। साइकिल की बटन दबाओगे एक अतीक अहमद जैसा गुंडा और पैदा हो जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री है कि नहीं बताओ। जब तक सपा की सरकार थी कि नारा लगाते सपा वाले, इस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में निश्चित गुंडा होता था कि नहीं होता था। आज भी है सपा का नारा, खाली प्लाट हमारा, आज भी है सर। वो सब जेल भेज दिए गए, जब बचे हैं तब पास के बाद भेज देंगे। मैं आप सब लोगों को यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ कि कमल के फूल की बटन दबाओगे, गरीब के जीवन में भी खुशहाली, किसान के जीवन में भी खुशहाली, नौजवान यहाँ पर तो नौकरी कोई पाए होंगे पहले, आप पता कर लेना, पूछना नहीं चाहता। बिना रिश्वत लिए नौकरी सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में नहीं मिलती थी, और हम दावे से कहते हैं हमने 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी है, और 4.5 लाख सरकारी नौकरी में से एक भी युवा नहीं कर सकता, उसके माता पिता नहीं कर सकते, उन्हें 1 रुपया रिश्वत देने के कारण नौकरी मिली है। साइकिल की बटन दबाओगे एक अतीक अहमद जैसा गुंडा और पैदा हो जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री है कि नहीं बताओ। जब तक सपा की सरकार थी कि नारा लगाते सपा वाले, इस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में निश्चित गुंडा होता था कि नहीं होता था। आज भी है सपा का नारा, खाली प्लाट हमारा, आज भी है सर। वो सब जेल भेज दिए गए, जब बचे हैं तब पास के बाद भेज देंगे। मैं आप सब लोगों को यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ कि कमल के फूल की बटन दबाओगे, गरीब के जीवन में भी खुशहाली, किसान के जीवन में भी खुशहाली, नौजवान यहाँ पर तो नौकरी कोई पाए होंगे पहले, आप पता कर लेना, पूछना नहीं चाहता। बिना रिश्वत लिए नौकरी सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में नहीं मिलती थी, और हम दावे से कहते हैं हमने 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी है, और 4.5 लाख सरकारी नौकरी में से एक भी युवा नहीं कर सकता, उसके माता पिता नहीं कर सकते, उन्हें 1 रुपया रिश्वत देने के कारण नौकरी मिली है।